फिल्म के लिए जरूरी नहीं कि लीड एक्ट्रेस और एक्टर ही काफी हो, इनके अलावा फिल्म में एक विलेन और एक कॉमेडियन के साथ साथ कई सपोर्टिंग किरदार भी उतने ही अहम होते हैं जितने कि फिल्म के लीड स्टार्स होते हैं। लेकिन जब फिल्मों में किसी कॉमेडियन को देखा जाता है तो फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर से ही एक न एक कॉमेडियन को देखा गया है, ऐसे में बात कर रहे हैं एक्टर गोविंदा की इस हिट फिल्म के इस कॉमेडियन किरदार की, जो अमीरी में किसी एक्टर से कम नहीं है। भले ही हीरो हीरोइन को फिल्म देखने के बाद दर्शक भूल जाते होंगे, लेकिन फिल्म में अगर एक कॉमेडियन किरदार है तो लोग उसे आसानी से नहीं भूलते। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोविंदा की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में सन्नाटा का जबरदस्त किरदार करने वाले कॉमेडी एक्टर किशोर नांदलास्कर की। इस फिल्म में उन्होंने एक गूंगी का किरदार निभाया था। लेकिन बात करें इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में तो आपको इनकी संपत्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी। किशोर को इस फिल्म के बाद से लोग सन्नाटा के से ही जानने लगे थे। किशोर बॉलीवुड में नए कैस्टों मुखर्जी के तौर पर उतर कर आए थे। किशोर ने ज्यादातर फिल्मों में फनी किरदार ही किए हैं। साइड रोल करने वाले किशोर की संपत्ति किसी एक्टर से कम नहीं है, भले ही वह फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते हैं, लेकिन दौलत के मामले में वह काफी आगे हैं। बात करें उनकी संपत्ति की तो बता दें कि किशोर के पास मुंबई का नागपाड़ा में एक शानदार बंगला है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। नागपाड़ा में एक बंगले के अलावा उनके मुंबई में दो और फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने यह दोनों फ्लैट्स किराए पर दिए हुए हैं जिनसे उनकी मोटी कमाई होती है। अब बात करें उनकी गाड़ियों की तो बता दें कि किशोर के पास एक इनोवा और फॉर्च्यूनर कार है। इतना ही नहीं, उनके पास एक बस भी है जिसे वह किराए पर चलवाते हैं।